वीडियो 6J चैप्टर 6 इंटीजर्स। आज हम इस वीडियो 6J में चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करेंगे। इसका बेसिक एक्सप्लेन कर चुके हैं हम, ठीक। तो एक्सरसाइज इजी है, ठीक है, और बहुत छोटी भी एक्सरसाइज, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, बहुत शॉर्ट है। तो क्वेश्चन 1 है इसका, सबट्रैक्ट करना है क्वेश्चन 1 में। तो क्वेश्चन 1 में क्या करना है आपको, सबट्रैक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स क्या है आपको मैं समझाता हूँ, 35 माइनस 20, सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को हटाएंगे, ठीक है। तो 35 में से 20 को सबट्रैक्ट किया, कितने बचे, 15 बचे। 15 प्लस माइनस के, अब ये शेयर बनता है कि प्लस के हैं माइनस के हैं, तो ये प्लस के आएंगे क्योंकि 35 प्लस के हैं, 35 प्लस के हैं। जो नंबर्स प्लस का होता है, बड़ा होता है, वो साइन उसका लगता है, ध्यान रखना। जैसे मान लो 35 माइनस 20 है तो 15 आए प्लस के, ठीक। अगर ये माइनस के होता, ये प्लस के होते, तब तो ये माइनस के आते क्योंकि ये नंबर्स बड़ा है, इसमें से इन दोनों में से नंबर बड़ा है और साइन माइनस का है, तो इसलिए माइनस का आते हैं। तो जो नंबर्स बड़ा होता है नंबर एक बार, वो उसका साइन लगाते हैं, ठीक है। इस बात आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लो 10 में से 12 आपने सबट्रैक्ट किया, आप जानते हैं 10 में से 12 तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, ठीक है, 2 बचेंगे। इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, 10 या 12, 12 बड़ा है, 12 पर साइन माइनस का है, प्लस का है, माइनस का है, इसलिए हम माइनस का साइन आएगा। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगर ये माइनस होता, ये प्लस होता, तब 12 प्लस का है और 12 बड़ा है सबसे, इन दोनों से बड़ा है, तो इसलिए प्लस का लगाते हैं, प्लस को साइन को शो नहीं करते हैं, खाली 2 इसका आंसर होता। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन ईजी हैं बहुत, ठीक, तो आप लोग कर सकते हैं इसको। फिर इसका बी पार्ट है, क्वेश्चन 1 का बी पार्ट है 72 माइनस 90। सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट हटाने सिंपल हटा सकते हैं। 72 माइनस 90 कितने बचे, 18, 18 बचे। अब 90 बड़े हैं, 72 बड़े हैं, 19 बड़े हैं 72 से, साइन माइनस का लगा इसलिए माइनस के 18 होंगे, ओके। ऐसे इसका सी पार्ट है, -15 ऐसी है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। आप लोग बात ध्यान रखना, आप जब भी माइनस और माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। अगर किसी ब्रैकेट के बाहर, किसी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है और इनको नंबर है, मान लो 3 है और ये माइनस लगा है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। और अगर इसके बाहर माइनस है और प्लस अंदर है, तब वो माइनस हो जाता है। बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, तब भी माइनस हो जाता है, ठीक है, माइनस के लिए। तो आप लोग एक बात, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक, चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ओके बेटा, तो आप लोग कर सकते हो इतना। अब इसके बाद 23 माइनस 12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, ठीक है, इनको ऐड कर देंगे इस तरह से, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 40 में से 32 कितना, 8 बचेगा, प्लस का बचेगा क्योंकि 40 बड़े हैं प्लस के हैं इसलिए, ठीक। तो क्वेश्चंस 1 इजी था, तो मैं समझता हूँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। क्वेश्चन 2 देखें आप, क्वेश्चन 2 में आपको ये साइन लगाने हैं यार। अब ये साइन कब आते हैं आपको मैं समझाता हूँ, आपको पता होगा वैसे तो ये साइन, ठीक। मान लो कोई नंबर 10 है और कोई नंबर 2 है, तो जो नंबर बड़ा होता है ना, उधर ये मुंह होता है, मौत होता है, इसे मौत कह सकते हैं, ठीक है, और इसे नोक कह सकते हैं। तो जो नंबर छोटा होता है उसकी तरफ ये नोक आती है, जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ ये मुंह आता है। मान लो माइनस के 2 और माइनस के 10, अब इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, इनमें से कौन सा बड़ा है, तो इनमें से माइनस का 2 बड़ा है, ओके। ये बात आप लोग ध्यान रखना है, एक बात भूलना मत आप लोग, कि जो भी नंबर्स माइनस के होते हैं ना, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस में जो नंबर छोटा होता है, माइनस में जो नंबर हमको माइनस साइन लगाने के बाद जो नंबर हमको छोटा दिखता है, वही नंबर्स बड़ा होता है। जैसे माइनस का 1 बड़ा है क्या, माइनस का 4 बड़ा है, तो माइनस का 1 बड़ा है माइनस के 4 से। आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जैसे ये आप ऐसे समझ लो 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, जो नंबर -5, जो नंबर 0 से जितना दूर होता है, 0 से जितना दूर होगा वही नंबर उतना छोटा होगा। मान लो 0 से -1 बहुत पास में है, फिर -2 थोड़ा सा दूर है, फिर -3 और दूर है,
फिर ये और दूर है, इस तरह से इसकी दूरी बढ़ती जाती है, डिस्टेंस बढ़ती जाती है, नंबर्स की वैल्यू भी कम होती जाती है। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, देखो -3 प्लस -6, तो आपको पहले तो ये सॉल्व करना है कि -3 और प्लस -6 कितने आएंगे। तो पहले तो आप ये सॉल्व करेंगे, आप इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, लिया और डायरेक्ट कर दिया, आपको ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट नहीं करना है इसको। पहले आप क्या करेंगे, -3, ओके, -3 प्लस -6, फिर आपको ये साइन दिया है, फिर -3 माइनस -6 ये दिया। सबसे पहले आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे, तो -3 प्लस और माइनस -6, ओके, -3 -6 -9। जब भी दो नंबर्स या तीन नंबर्स माइनस के होते हैं तो वो आपस में ऐड हो जाते हैं, ठीक है, वो नंबर्स आपस में क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, ओके। उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे, -3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 6 में से 3 का माइनस के कितने बचेंगे, प्लस के 3। अब प्लस के, अगर प्लस का 1 भी है तो वो माइनस वाले नंबर से बड़ा होगा, 0 भी है तब भी वो माइनस वाले नंबर से बड़ा होगा। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि 0 है या 1 है या 2 है, जो भी है, ये जो साइड में नंबर्स होते हैं -1 -2 ये सब बड़े होते हैं इनसे। मान लो आपको कहना है कि -1 बड़ा है क्या 0 बड़ा है, तो आप कहेंगे 0 बड़ा है, -1 बड़ा है, -100 बड़ा है क्या 1 बड़ा है, तो -100 छोटा है 1 बड़ा है, ठीक है। इस तरह से -50 बड़ा है क्या -1 बड़ा है आपको, तो इनमें से कौन ग्रेट है, तो माइनस वाला संख्या जितनी छोटी होती है वो उतनी बड़ी होती है, आप ध्यान रखना, -150 तो -1 बड़ा है, जो नंबर 0 से जितना पास में होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा, आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब कितना आया हमारा इसमें, -9 और +3, तो हमेशा +3 बड़ा होगा, तो +3 बड़ा होगा, इसलिए ये साइन है इससे, क्योंकि ये नंबर इससे आया है, +3 इसी नंबर से तो आएंगे, सॉल्व किया हमने, नंबर को सॉल्व किया है, तो इसलिए ये जो मुँह होता है ना, मौत बोलते हैं इसको, ये इस साइड में होगा, ठीक, और जो नंबर छोटा होता है वो इस साइड में, ओके। तो इसी तरह से मैंने क्वेश्चंस 2 को सॉल्व किया है, ओके, इसमें साइन लगाए मैंने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो आप लोग फिर -20 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, तो 20 मतलब 10 के कितने बचेंगे, माइनस के 11। अब देखो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, जो क्वेश्चन 2 और सॉल्व कर देता हूँ, वह सी और डी पार्ट आप लोग ऐसे समझ लेना आप लोग, ठीक है, इसको और सॉल्व कर देता हूँ। -21 माइनस -10 ये दिया है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप -21 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 10। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, जो भी साइन होता है वो उस नंबर्स के आगे होता है, ये माइनस का साइन इसके लिए है 21 के लिए, और ये माइनस और माइनस किसके लिए है, 10 के लिए है, तो प्लस किसके होगा, 10 के लिए हो गया, ठीक है। जो भी साइन होता है वो उस नंबर से आगे होता है, तो माइनस का 21 प्लस का 10 कितने बचे, माइनस का 11, ओके। अब उसके बाद क्या दिया है, माइनस का 31 दिया है, प्लस माइनस का 11 दिया है, माइनस का 31 ऐसे रहेगा, प्लस और माइनस माइनस का 11, ओके। अब इसके इसको ऐड करेंगे हम लोग, इसको ऐड करेंगे कितना आ गया, ये 42, ओके, 42 आया ये। अब 42 बड़ा है क्या माइनस का 11 बड़ा है, तो आपको ने बताया था कि जो नंबर्स माइनस में जितना छोटा होता है ना उतना ही बड़ा होता है वो, ठीक है। अगर मान लो आप वैसे तो ये आप ये मान लो कि 11 बड़ा है, 11 छोटा है 42 से, लेकिन अब ये दोनों माइनस में, जब दोनों माइनस में हैं तो जिसकी वैल्यू जितनी छोटी होगी वो वैल्यू उतना वो नंबर उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो माइनस का 11 बड़ा होगा किससे, 42 से, और माइनस का 11 किससे बना है, इससे बना है, इसलिए इसका साइन इस साइड में है, यानी कि ऐसे होगा, ओके। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, माइनस के 11, और इसकी कितनी आई थी, माइनस के 42, तो इसलिए ये नंबर बड़ा होगा इस नंबर से, ओके। इसी तरह से मैंने इसको सी और डी पार्ट सॉल्व किया है, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे आप लोग इसके बारे में पूछ सकते हैं, ओके। अब इसका हम अब हम क्वेश्चन नंबर 3 फिलिंग द ब्लैंक्स, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, तो देख लेते हैं इसको एक बार, और क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा
मैं आपको समझा देता हूँ उसके बारे में आपको। देखो माइनस का 8 दिया है, प्लस और यहाँ खाली स्थान है और ये 0। अब ये कह रहे हैं कि माइनस 8 में कितना ऐड करें कि 0 आए। भाई कहने का मीन्स ये है ना इनका, कहने का मीन्स यही है ना। तो माइनस 8 में कितना ऐड करेंगे प्लस का वो 0 आए, ठीक है। तो आप अगर प्लस के 8 को ऐड कर दिया जाए तो 0 आएगा, माइनस का 8 इसका 8 0 होता है, तो इसलिए यहाँ कितना आएगा 8 आएगा। 13 में कितना और ऐड करें कि 0 आएगा, तो माइनस का 13 करेंगे। ओके, किसी भी नंबर्स का 0 आने के लिए उस नंबर्स का अपोजिट साइन नंबर्स को ऐड कर दो आप, 0 आएगा। सिंपल सी बात है। जैसे अगर हम बात करें कि 2 में कितना ऐड करें कि 0 आए, तो माइनस को 2 ऐड करेंगे तभी तो 0 आएगा, ठीक है। और 4 में कितना ऐड करें कि आंसर 0 आना चाहिए, तो माइनस का 4 ऐड करेंगे। माइनस के 4 में कितना ऐड करें कि आंसर 0 आना चाहिए, तो ये माइनस का 4 हो तो ये प्लस का 4 होना चाहिए। अपोजिट साइन आपको उस नंबर का अपोजिट साइन ला के आप नंबर्स को लिख दो सेम टू सेम, इसका 0 आएगा, बस इतना फंडा है। ऐसे ही है, प्लस 12 प्लस माइनस 12 तो कितना आएगा, ये आपको पता है 0 आएगा। ये माइनस 4, अच्छा माइनस 4 में कितने ऐड करेंगे माइनस के 12 आए, तो माइनस के 8 करना पड़ेगा, ठीक। अब लिखा है माइनस का 10, ठीक है। अब 15 में से कितना और निकालें, क्या करें यहाँ पर कि माइनस के 10 आए, तो प्लस का 5 आएगा, चलिए माइनस का 10 है। तो फिल इन द बैलेंस है, मैं समझता हूँ इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। और जो क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, इजी होते हैं, तो उनमें डाउट होने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड, आपको फाइंड करनी है वैल्यूज, ठीक है। तो माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 25, ठीक। माइनस का 7 ऐसे रहा, माइनस का 8, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। जब किसी ब्रैकेट के बाहर कोष्टक के बाहर माइनस साइन दिया हो और माइनस साइन अंदर भी हो तो प्लस हो जाता है, मैंने आपको अभी समझाया था, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इनमें से जो माइनस के हैं पहले उनको ऐड कर लो, माइनस के 7 माइनस के 8, माइनस के 7 माइनस के 8 माइनस के 15 होते हैं, और प्लस 25 ऐसे नोट किया। अब 25 में से 15 गया, कितने बचा, 10 बचा। अब 10 क्यों बचेगा प्लस का, क्योंकि 25 बड़े हैं, प्लस का साइन इसलिए प्लस के लगेंगे, ओके। इसी तरह से इसका बी पार्ट सॉल्व किया मैंने, माइनस का 13 प्लस 32 माइनस 8 माइनस 1, तो माइनस का 13 ऐसे रहा। अब इसको माइनस 13 ऐसे 32 माइनस 8 माइनस 1, अब इसमें क्या करते हैं, जो नंबर्स माइनस के हैं पहले उनको ऐड कर लो, माइनस के 13 माइनस के 8 माइनस का 1 कितना आ गया, 22। 32 ऐसे नोट किया मैंने, आप इसको आगे नोट कर सकते हैं, मैंने नोट किया है जैसा कि, ठीक है। तो 32 में से माइनस के 22 जाएंगे, कितने बचेंगे, 10 बचेगा, ये इसका आंसर। क्वेश्चंस इजी हैं वो, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग अगर आप मेरी वीडियोस को देख लेंगे तो मैं समझता हूँ क्वेश्चंस करने में कोई भी आपको डाउट या दिक्कत नहीं होने वाली। फिर इसका सी पार्ट है क्वेश्चन 4 का और डी पार्ट, यह आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको अपने पास से दिए हैं, ये भी आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। तो ये आज का आपका होमवर्क है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई इन वीडियो में डाउट हो या क्वेश्चंस पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। और सबसे पहले आप मेरी वीडियोस को देखा करें, ठीक। आप इस वीडियो से संबंधित नोट्स को डायरेक्ट नोट ना किया करें, क्योंकि आपको डायरेक्ट नोट करेंगे तो आपकी नहीं समझ में आएगा, ओके।